हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन STSBM ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में क्लास नाइन्थ का ही चैप्टर चल रहा था, प्राकृतिक संसाधन, जिसको नेचुरल रिसोर्स। और पिछले वीडियो में हम लोग ने दो साइकिल के विषय में डिस्कस किया था, जिसमें लास्ट वाला जो था वो नाइट्रोजन साइकिल था। तो नाइट्रोजन साइकिल के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन चक्र कैसे कैसे वर्क करता है, और नाइट्रोजन और वाटर साइकिल होने के बाद से आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन और कार्बन साइकिल के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं कि कार्बन का जो उत्सर्जन है, जो कार्बन का नेचर है, वो किस प्रकार से हमारे पृथ्वी के ऊपर में चारों तरफ से घूम रहा है, चाहे कवर कर रहा है। सबसे पहली बात की द साइक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन बिटवीन नॉन लिविंग एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड कार्बन साइक्लिंग नेचर। सो द डेफिनेशन इज दैट द साइक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन बिटवीन नॉन लिविंग एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड द कार्बन साइक्लिंग नेचर। नॉन लिविंग से लिविंग में किस तरह से कार्बन का आदान प्रदान हो रहा है, इस प्रकार के चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल या फिर कार्बन चक्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ेंगे। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसके विषय में। यहाँ हम देखें तो कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधों के द्वारा लिया जाता है, और लेने के बाद से वे पौधे ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट करके फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे देते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन के लिए जब दे देते हैं तो वो चीज़ जो है हमारा फिर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेकर के फिर कार्बन डाइऑक्साइड में लिमिट कर देते हैं, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। यहाँ देखें तो मरे हुए जितने भी जीव जंतु हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, जो अर्थात पेड़ पौधे विसर्जन करते हैं, तो उनमें भी कार्बन उत्सर्जन होता है। तो कार्बन उत्सर्जन होने के बाद से इस कहाँ चला जाता है, तो मिट्टी में। और जैसे ही मिट्टी में जाता है स्टूडेंट, वहाँ होता क्या है कि सभी के सभी सड़ गल करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, या फिर कार्बन साइकिल के रूप में वो फिर पेट्रोल, कोल, डीजल इत्यादि में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज यू नो दैट विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सभी कार्बन के रूप हैं। कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी कार्बन की उपलब्धता होती ही होती है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और पौधों को भी कार्बन की आवश्यकता है ताकि वो अपना विकास कर सके, और विकास करेंगे तो ऑक्सीजन लिमिट करेंगे, तो फिर ऑक्सीजन जो है कौन लेगा, एनिमल्स लेंगे, और एनिमल्स लेने के बाद से वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसे में प्रक्रिया चलती रहती है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री भी जो है ये भी देती रहती है क्या, तो कार्बन देती रहती है, और जैसे जैसे कार्बन देती है वैसे वैसे ऑटोमोबाइल उद्योग भी जो है कार्बन उत्सर्जन करता है, और ये कार्बन उत्सर्जन
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही होता है, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है तो ये सब भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। वेदरिंग ऑफ कार्बोनेट्स रॉक्स बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय एसिड रेन लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। वेदरिंग के प्रोसेस में कार्बोनेट्स का भी निकलना होता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है क्या, यहाँ एक टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस जो है इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, because in there we have seen so many types of the radiations in there. Sun से निकली हुई ऊर्जा जब पृथ्वी की तरफ आती है तो वो रेडिएशन जो होती है डायरेक्ट ट्रैप कर जाती है, और जैसे ही डायरेक्ट ट्रैप करती है एक यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक आवरण होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का आवरण होता है, इसको ग्रीन हाउस बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस बोल सकते हैं। और इस ग्रीन हाउस के आवरण से क्या होता है कि जो सन का जो इंफ्रारेड है वो इसको रोकता है कि आवरण पृथ्वी, और जैसे कि जब रोकता है ये आवरण तो सूर्य की पैरामैग्नेटिक किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती और वो ऊपर ही अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां भी नहीं होती है, पौधे भी को नुकसान नहीं होता है। सो द ग्रीन हाउस द लेंथ एंड रेंज ऑफ द एटमॉस्फेरिक फेनोमेना दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर, दीज गैसेस एनवेलप द प्रिवेंटिंग द अर्थ हीट, और उससे क्या होता है पृथ्वी हमारी ज्यादा गर्म नहीं होती, गर्म होती भी है तो इसका रेडिएशन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता है, सोलर रेडिएशन, तो ऊपर से भी गर्म कर रहा है, नीचे से भी गर्म कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जो है ग्रीन हाउस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है, और इसका हम लोग फ्यूचर में ध्यान रखना होगा कि अगर ये गैस कहीं कहीं से होल हो गई या फिर किसी तरह से डैमेज हो गई तो हमारे ऊपर भी संकट आ सकता है, पौधों के ऊपर भी संकट आ सकता है, तो इसको प्रिवेंट करना होगा। तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे, सनरेज, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा, ये सब मेजर प्रिकॉशन है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन साइकिल, ओजोन के विषय में, ओजोन लेयर और साथ में ग्लोबल वार्मिंग के विषय में डिस्कशन किया जाएगा। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।